नहीं, मैं जहाँ जाके रुका था वही दीवार बनी। लोग किस्तों में मुझे तप्त करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार दूँ। इस बार में जब सत्ता ने यह तय कर लिया है कि किसी भी इंसान की आवाज को बुलंद नहीं रहने दिया जाएगा, एक ऐसा दौर जब शासकों ने यह तय कर दिया होगी जो भी आवाज उनसे सवाल करेगी उसे खामोश कर दिया जाएगा, ऐसे दौर में भी एक शख्स है जो सर पे सच्चाई का कफन बांधे हुए देश के दिल पर खड़ा होकर के, दिल्ली में खड़ा होकर के हिंदुस्तान के शासकों से, बादशाहों से ये कहता है कि ये बताइए गरीबों की नौकरियां कहाँ हैं, जो सवाल पूछता है कि दंगों में मारे गए लोगों का दर्द अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसे शख्स का नाम है अभिषार शर्मा, वो हमारे बीच में है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसके लिए पद्म भूषण भी बहुत छोटा है मुझे ऐसा लगता है, और आने वाले दिनों में पद्मश्री, पद्म भूषण सारे सम्मान उनके दामन में आने हैं। लेकिन सीमांचल आज खुश नसीब है कि उनका सम्मान करने जा रहा है। मैं रहमत एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, अजमत एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और शव लगा करके और मोमेंटो दे करके और आपकी दुआओं की तालियां दे करके मोहतरम अभिषार शर्मा का ऐतिहासिक सम्मान करें। कहने के लिए मुक्ति भर लोग हैं लेकिन ये मुक्ति भर लोग आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब तक उनका सम्मान होता है तब तक आपकी तालियां बजती रहें। मैं अभिषार जी को गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन यार इनकी मोहब्बत है